हम सरकार से हमारे जो वेतन है उसको बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सरकार अभी तक क्लरिकल वर्क को जो बेसिक वेतन है 1900 दिया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारा वेतन 3500 दिया जाए। इसके रिगार्डिंग हमने सरकार को विभिन्न जिलों के अंदर ज्ञापन सौंपे। उसके बाद हमने करनाल में 18 तारीख को सीएम घेराव भी किया, हमारा रोष प्रदर्शन भी हुआ था। वहां पे जो सीएम प्रतिनिधि है उन्होंने 4 तारीख तक का समय दिया था, 4 जुलाई तक आपकी मांग मान ली जाएगी। अभी तक 4 जुलाई के बाद भी हमारी मांग मानी नहीं गई। तब हमने 5 जुलाई को एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और यह हड़ताल आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगी जब तक हमारा वेतनमान नहीं बढ़ाया जाता। जिले भर से कर्मचारी जो शामिल है इसमें, पूरे जिले के सभी विभाग, यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट, बोर्ड, सभी साथी यहाँ पे मौजूद है। इस हालात में पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में इस टाइम ये रोष प्रदर्शन या हड़ताल चल रही है और यह हमारी प्रॉपर स्ट्राइक है। सभी साथी एब्सेंट होकर अपनी अपनी सीटों से यहाँ बैठे हैं और सरकार का हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो हमारी तनख्वाह है वो 3500 वो दी जाए। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर हमें अधिकार मिला अपनी बात रखने का हर वर्ग को, और आज हमारे कर्मचारी भाई जिनका बहुत बड़ा योगदान है प्रदेश की तरक्की में और हरियाणा प्रदेश में, तो चाहे खिलाड़ी की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे हमारे कर्मचारी की बात करें, हरियाणा प्रदेश ने हमेशा देश को राह दिखाई है। हरियाणा प्रदेश में फसल के भाव भी सरकारें किसी की रही हूँ सबसे ज्यादा मिलता था, स्केल भी सबसे ज्यादा मिलता था, बुढ़ापा पेंशन भी सबसे ज्यादा मिलती थी, मेडल भी हमारे खिलाड़ी सबसे ज्यादा लेके आते थे। और अब प्रदेश का मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी है जो एक बात कहते हैं कि हमारा बजट 3 गुना बढ़ा है, और 3 गुना अगर बजट बढ़ा है तो इन कर्मचारी भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपका बजट बढ़ा है तो ये जो पे स्केल मांग रहे हैं ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, दूसरे प्रदेशों के बराबर मांग रहे हैं, तो इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार से विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपके वही लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता सौंपी है, इनकी बात सुनकर इनकी मांग को मांगा जाए।